किसी है सांस ले सांस नली सांस नली के हाँ टी शर्ट पर जो मंडरी है भाई सी जो ऊपर वो डाटो होगा भाई डाटो नीचे वाली हाँ जीभ है नहीं नहीं सांस नली के अटैच में होगी जीभ ये खुला हुआ है या देख हाँ हाँ या और ये सांस नली नहीं तो इनके घर के अंदर एक कोबरा सांप आ चुका है, तो अभी हम इसको रेस्क्यू करने का प्रयास करेंगे। तो हमारी वीडियो में अंत तक जुड़ रहे हैं ताकि इसके बारे में हम आपको तमाम जानकारी दे सके। तो देखिए दोस्तों, ये ब्लैक रंग का ये कोबरा है, जेड ब्लैक। तो अभी इसको मैं कोशिश करता हूँ। एक मिनट सेट कर, पहले मैंने कोई अठाई ऊपर देन भी देखो आन दे आन बार आन दे एक बार तो देखिए दोस्तों, ये एक कोबरा सांप है। देखिए काफी शांत स्वभाव का सांप है। ये फोन है भाई, कौन खाओ। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा सांप किसी इंसान को बाइट कर जाए तो इंसान की मौत निश्चित है, अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। देखिए दोस्तों, इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर की मात्रा होती है, और ऐसा सांप अगर आपको बाइट कर जाए तो आप किसी झाड़फूंक के चक्करों में ना पड़े, और आपके नज़दीक की जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगे तो उसमें ही आप अपना जो कि ट्रीटमेंट कराएं, ताकि इसका विषय जो कि आप पे असर ना करे और आपकी जान बचाई जा सके। तो देखिए दोस्तों, सांप जो कि दूध नहीं पीता, तो देखिए दोस्तों, अभी काफी आक्रामक मूड में हो गया। रात को आजकल जो भी ठंड होती है, ठंड के कारण ये सांप थोड़े सुस्त हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक इंडियन सेप्टिकल कोबरा सांप है। अरे ऐसे सांपों से आप दूरी बना के रखें, अगर ऐसा सांप किसी इंसान को बाइट कर जाए तो इंसान की मौत निश्चित है, अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। देखिए दोस्तों, इनको जो कि रात से ही ये सांप परेशान कर रहा है, और सुबह इन्होंने देखा ये सांप, और अभी आप के सामने हमने इसको रेस्क्यू कर लिया। तो देखिए दोस्तों, जब भी ये सांप बाइट करता है तो इंसान के लगभग जो कि 45 मिनट में इसका विष जो कि पूरे शरीर में फैल जाता है, और उसी के चलते इंसान की मौत हो जाती है, अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। क्योंकि झाड़फूंक के चक्करों के कारण ही 80% लोगों की मौत होती है। की कौन गारंटी
की कोनी नहीं नहीं कुछ कौन करूंगा नान दिखा दे तो देखिए दोस्तों इसके मैं जो कि दांत है विष वाले वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि विष वाले दांत है इनको समझाने के लिए अगर किसी इंसान को बाइट कर ले तो जो कि इसके निशान पहचान होना जरूरी है क्योंकि कोबरा बाइट की पहचान नहीं होगी तो आपका कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो देखिए दोस्तों इसके जो कि ब्रीक ब्रीक बहुत ही नुकीले दांत होते हैं तो आधा इंच के गैप के अंदर दो निशान बनेंगे अगर कोबरा बाइट होगी तो, और कॉमन क्रेत का भी यही निशान बनता है। तो देखिए कितने नुकीले दांत है, सांस नली देख लो किसी है सांस नली, सांस नली आ देख लो सांस नली के, हाँ टी शर्ट पर जो मंडरी है भाई सी जो ऊपर वो डाटो होगा भाई डाटो नीचे वाली, हाँ नीचे वाली जी बहेंगे, नहीं नहीं सांस नली के अटैच में होगी जीभ, ये खुला हुआ है या देख, हाँ हाँ और ये सांस नली नहीं जो यूं फुकार लो है वो ये क्या हाँ, श्योर है क्या, हाँ श्योर है श्योर डब्बो ले गई मुझसे, नहीं गलती नहीं यार वो मजबूरी बताने ला रही मदन है। तो देखिए दोस्तों इसको मैं डिब्बे में पैक कर देता हूँ और हमारी वीडियो देख के आप हमारी कॉपी ना करें। तो दीपक भाई भी हमारे बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इसको मैंने डिब्बे में पैक कर दिया और हमारी वीडियो देख के आप हमारी कॉपी ना करें क्योंकि एक एक्सपर्ट का काम है, अगर आप हमारी कॉपी करोगे तो आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे यूट्यूब चैनल स्नैक में सहदेव वाल्मीकि के नाम से उसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से एनजीओ के बारे में आपको अधिक जानकारियाँ मिल सके और आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से एनजीओ को अधिक से अधिक विकास को। तो दोस्तों हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।